नमस्कार। आज करेंगे कविता कन्यादान, जो ऋतुराज जी ने लिखी है। उनकी कविता का लाइन वाइज व्याख्या या स्टेंजा वाइज व्याख्या, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की तभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, वो सारे दुख उसे ये नज़र आ रहा था कि उसकी लड़की को विवाह के पश्चात देखने न पड़े। इसलिए जब लड़की का कन्यादान हो रहा है तो माँ उसे समझाती है और उसे जानकारी देना ज़रूरी समझती है कि उसकी बेटी जो है उसकी अंतिम संपत्ति है, जीवन के सारे सुख और दुख जो हैं वो बेटी के साथ ही बांटती थी। चाहे बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन माँ की नज़र में वह अभी इतनी सयानी और समझदार नहीं हुई है, यानी कि उसने अभी दुनिया को नहीं देखा है। और इस पंक्ति में उसकी माँ की चिंता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। वह भोली और सीधी है, वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती है, लेकिन वास्तविक दुखों को अभी नहीं जानती है और उसे पढ़ना नहीं आता, यानी वो दुख के बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं सकती है। ऐसा लगता है कि वह अभी धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को तो पढ़ना जानती थी, लेकिन उसे अर्थ समझना नहीं आता था। यानी कि वास्तविकताएं जो हैं जीवन की, उनको वह पढ़ना तो जानती है, लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता। जिस प्रकार से हम किसी पंक्ति को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, उसी प्रकार वह लड़की अभी इतनी सीधी और भोली है कि वह दुखों को पढ़ तो सकती है। यानी उसने अपनी माँ को उन स्थितियों में देखा है, लेकिन उसने अभी खुद उन दुखों को भोगा नहीं है, इसलिए उसे इन दुखों का अर्थ और इनसे बचने की विधि अभी समझ में नहीं आई है, और वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी समझी नहीं है। इन पंक्तियों में उसकी माँ उसे यही समझाना चाहती है कि उसमें अभी चालाकी नहीं आई है, होशियारी नहीं आई है कि वह दुनिया के भेदभावों को समझ करके स्वयं कैसे निर्णय करे। दूसरा पद है, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझा रही है कि हर वक्त केवल अपनी सुंदरता का ही ख्याल मत रखना या उसे ही देखते मत रहना, केवल सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान देने के वाला जो तुम्हारा व्यवहार है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में जानना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है, उससे सावधान रहना, यानी सुंदरता के प्रति अधिक आकर्षक मत होना। अन्य पंक्तियों में वह कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, यानी कि वह हर वस्तु का अलग महत्व उसे समझा रही है कि जो जिस काम के लिए बना है
उसको उसी काम में प्रयोग में लाना चाहिए। जिस प्रकार से आग को रोटी सेकने के लिए बनाया गया है, जलने के लिए नहीं बनाया गया है। वह जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती है, इसलिए कभी भी आगे आने वाले दुखों से घबराकर उस आग में जलकर मरने की मत सोचना और उसका शिकार मत बनना, यानी कभी भी अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाने की मत सोचना। इन पंक्तियों में माँ की चिंता जो है स्पष्ट नज़र आ रही है। उसे ये लग रहा है कि बेटी के भविष्य में यदि दुख आएंगे तो वह कभी मरने का ना सोच ले, इसलिए वह कह रही है कि सुंदरता के चक्कर में मत पड़ना और आग से कभी भी रोटियां सेकने के अलावा जलने की ना सोच लेना। नारी जीवन को भ्रम में डालने के लिए तरह तरह के वस्त्र और गहने बनाए गए हैं। अन्य शब्दों में वह कहती है कि नारी को भ्रम में डालने के लिए गहने और वस्त्र बनाए गए हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की हो तो लड़की ही बने रहना, लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देना, क्योंकि हमेशा आपको जीवन में समस्याएं आएंगी और उनसे बचने के लिए सजग और सचेत सजा ही बने रहना। लड़की की तरह दिखोगे तो ज़्यादा मुसीबत आएगी। आज के समाज को देखते हुए इस पंक्ति में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि लड़की जैसा होना पर दिखाई मत देना। समाज में व्याप्त परिवर्तनों को भलीभांति समझ लेना। यह संसार निर्मम है, इसलिए पहले भलीभांति समझकर सभी के साथ व्यवहार करना।